ये जगह का नाम विक्टोरिया है और हम इस जगह के पास रुके हैं। बट लंदन में भी ना, जैसे सिएटल में हम लोगों ने किया था ना, तो वैसे ऐसे स्कूटर्स हैं। आई लाइक द ड्राइंग रूम बाय द वे, दिस इज नाइस। सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु एंड वेलकम टू माय लंदन सीरीज। अच्छी चीजें अब बिल्कुल अभी मुझे ऐसे दिख रही हैं सामने से। जब हम यहाँ पे आए थे ना, चीजें काफी ज्यादा ऊपर नीचे हो गई थी, बट थिंग्स आर एक्चुअली वेरी फाइन राइट नाउ एंड थैंक यू फॉर बीइंग देयर विद मी। बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे कॉमेंट्स या फिर पर्सनल टेक्स्ट, उन सबके लिए थैंक यू। आज हम दिन की शुरुआत कर चुके हैं और वो जो एंड होगा ना, वो बहुत धमाकेदार होगा। मैं कहीं आज आपको फाइनली लेके जाने वाली हूँ एंड आई एम होपिंग जब आप ये देखो तो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। घर में भी ना खुशी की लहर वापस से दौड़ गई है एंड वी ऑल्सो हैव प्रशांत। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड यार। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, मेरा कोविड टेस्ट अब नेगेटिव हो गया है तो अब मैं बाहर जा सकता हूँ। वी आर हैप्पी। मतलब हम लोग जब आए थे तो ऐसे बंद गए थे और कुछ करने को नहीं था, किसी को नहीं जानते थे, सो वी वर लिटिल हैसल, बट राइट नाउ थिंग्स आर ओके, थिंग्स आर एक्चुअली गुड। सो प्रशांत एंड मी कैन गो आउट, वी कैन टेक यू टू सम प्लेस टूडे। आज मैं आपको पक्का लेके जाने वाली हूँ। अभी सुबह हम लोग ब्रेड खाएंगे और ये एवोकाडो है तो हम इसकी ग्वाक बनाएंगे। ग्वाक इज एवोकाडो की चटनी, ऐसे समझ लो। मेरे पापा मम्मी आए थे तब मैंने उन्हें खिलाया था, याद है एक टाइम पे। सो वी हैव टू डू दैट, मतलब आई हैव टू डू दैट। और लैपटॉप पे कुछ कुछ काम है मुझे, आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी हैं, सो आई हैव टू डू दैट। और बाहर का जो मौसम है, हाय राम, मुझे ना लंदन का मौसम बहुत पसंद आया। मतलब विंडी नहीं है और अच्छा वेदर है, बहुत अच्छा वेदर है। बारिश हो जाती है कभी कभी, इनफैक्ट रोज़ होती है, पानी दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे रोज़ बारिश हो रही है। बट जितना भी है ना, मतलब एटलीस्ट इफ़ यू वांट टू गो एक्सप्लोर, आप बालकनी में आके, मैं आई थिंक आधा घंटा मैं कितनी बार बैठती हूँ और कुछ भी नहीं होता है। मतलब एक छोटा सा स्वेटर लेके यू कैन सर्वाइव एंड दिस इज़ द व्यू। और अभी आई थिंक आई हैव सम वर्क और उसके आधे घंटे बाद वील स्टार्ट मेकिंग वॉक। और फिर इवनिंग में ना प्लान कुछ ऐसा है कि एक स्ट्रीट है यहाँ पे, वो क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए काफ़ी अच्छे से डेकोरेट हो रखी है। हम क्रिसमस पे नहीं जा पाए एंड दैट वाज ओके, बट हम अभी जा रहे हैं। दिस इज़ नॉट माय फर्स्ट टाइम इन लंदन, मैं पहले आ चुकी हूँ एंड प्रशांत हैज़ बीन हियर एक बार कुछ, आई थिंक एक दो महीने के लिए पहले, एंड दिस इज़ प्रशांत थर्ड टाइम, माई सेकेंड टाइम। तो हमें थोड़ा थोड़ा घुमा हुआ है, बट आई थिंक आपको घुमाने का इज़ समथिंग दैट आई वॉन्ट टू डू, क्योंकि व्लॉग में तब नहीं बनाती थी। सो एज ऑफ नाउ अभी मेरे को अंदर जाके कुछ काम है, थोड़ी देर में मिलती हूँ। सो दिस इज़ द ब्रेकफास्ट, ये है ग्वाकामोली और ये है ब्रेड और दूसरी वाली ब्रेड मेरी टोस्ट हो रही है अभी। सो वी कैन ईट दिस। आई यूजली स्प्रिंकल अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा पेपर, ब्लैक पेपर, उसके बाद मजा आ जाता है।16th January. I think it's worth looking at it. Sure, no problem. This is around 4:30 in the evening और सुबह कुछ और करने का प्लान था, बट हमने एक आध घर लाइन अप कर लिया, सो वी थॉट यू नो एज अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी पहले घर देख लेते हैं। तो अभी हम वहाँ जाने वाले हैं और घर की हालत हमने ख़राब कर दी है, तो हमारी मशीन आई थिंक हमने जल्दी बोल दिया कि नहीं चल रही है, नहीं चल रही है, बट उसने हमें धोखा दे दिया आज। इस बार हमने कपड़े धोए तो काफी सारे उसने आधे आधे से सुखा के दिए हैं, तो अभी हमने कपड़े फैला रखे हैं यहाँ पे। तो मैंने 4 घंटा टेस्ट किया बट मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं होने का, सो कपड़े हमने ऐसे रख दिया। बस अभी जैकेट जुकेट पहन लिया है एंड लोग मुझे कुछ बोले या फिर प्रशांत कुछ बोले उससे पहले ये देख लीजिए आप, दिस इज अ नेगेटिव टेस्ट। प्रशांत अगर लोग हमें पेलेंगे इसके बाद भी तो पहले तो यार लोगों का थोड़ी वो है, मतलब हमें अपनी गवर्नमेंट को, यहाँ की लोकल गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करने हैं। हाँ, अपने हिसाब से सही करना है, अब हर किसी को कुछ नहीं कर सकते ना। या बट मैंने लास्ट टाइम एक व्लॉग डाला था उसके ऊपर लोगों ने मुझे बहुत, अभी मैं सिर्फ एक दूना हो गया ठीक है, तो लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा पेल दिया था। मैं लाइक यार ऐसा थोड़ी होता है, मतलब सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती है, चीजें करनी होती है, और अगर हम अपने साथ गलत करेंगे किसी और के साथ गलत करेंगे, दैट इज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन वी आर। सो ऐसा नहीं होता है जैसा हमेशा आपको लगता है। अभी प्रशांत लास्ट मिनट में प्रशांत कॉफी की याद आई है, फटाफट कॉफी पी रहा हूं, उसके बाद हम जाएंगे। Thank you.
हम लोग थोड़े से जहाँ पे घर होते हैं ना वो वाले एरियाज में आ चुके हैं, एंड यहाँ पे टूरिस्ट लोग कम होते हैं तो प्रॉपर रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं। दीज आर लाइक 5 मिनट दूर फ्रॉम द मेन जगह, बट थोड़ी सी वाइब इनकी शांत होती है, एंड खुली खुली सड़कें, कम कम लोग, सफ़ेद सफ़ेद घर। आई रियली लाइक दीज यार, ये बहुत ही मस्त लग रहा है। हम लोग आ गए और यहाँ पे लिफ्ट नहीं है तो हम लोग ऐसे सीढ़ियों से जा रहे हैं, बट गैलरी इज नाइस नो, शांत अच्छी। सो घर इज ऑन 3rd फ्लोर, सो वी हैव टू थिंक कि क्या करना है। एंड यहाँ पे इंडिविजुअल घर है, हमारा वाला 3rd फ्लोर पे, देखते हैं वहाँ जाके। जैसे यही अलग चीज है, ये अच्छी चीज है। राधा इनसाइड दिस अपार्टमेंट, द अपार्टमेंट इज गुड, काफी सारी चीजें अच्छी है, काफी सारी चीजें बुरी है। जैसे किचन बहुत अच्छी है, इट्स रियली वेरी बिग, 2 आवर्स, एक बड़ा सा फ्रिज, यहाँ पे बड़ा फ्रिज जिसको बोलते हैं, इससे बड़ा हमें नहीं मिलेगा। एंड आई रियली लाइक दिस वाइट पैनलिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। 2 ओवन है, ठीक है, ये वॉशिंग मशीन है, एंड रियली लाइक इट, लाइक सिंक काफी मस्त है, दिस इज ऑलमोस्ट न्यू, मतलब ऐसा काफी मस्त है। I really like it. Look at these. These are also fine. काफी मस्त लग रहे हैं ये भी। और ये ड्रॉइंग रूम एरिया है, तो ये सोफा, अगेन दिस इज ग्रेट। तो मतलब आई एम नॉट श्योर, इट जस्ट दैट वी बोथ विल वर्क फ्रॉम हियर, सो वी आर नॉट श्योर हाउ वी गोना डू दैट। तो यहाँ पे एक और अच्छी चीज है कि गार्डन इज जस्ट हियर, सो आई रियली लाइक द व्यू, मतलब जगह जो ये है that is classic, that's excellent, I really like the aura, see look at the lamps, they are very very nice. This is the bedroom, 2 side tables hai, ceiling mujhe lag raha hai thodi choti hai, aur yahan pe aap apne office ka kaam kar sakte ho. View from this window is nice, so this is the view, aur I think almari ek ye hai aur ye wali ispe kuch hai, so we'll just have one almira. दूर से देखने में अच्छा लग रहा है, बट पता नहीं मुझे ना सीलिंग हाइट छोटी लग रही है। एक तो दिस इज प्राइस अराउंड 2400 pounds, जो कि होता है अराउंड 2,40,000 rupees, एंड आई एम स्टिल नॉट श्योर। अच्छा लग रहा है बट ऐसे बहुत पसंद नहीं आया, मतलब इट्स गुड बट नॉट वेरी गुड। सो दिस इज द अपार्टमेंट, आई लाइक द ड्रॉइंग रूम बाय द वे, दिस इज नाइस एंड द व्यू इज नाइस, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके सो वी आर आउट, एंड एक अच्छी चीज जो घर से निकलते ही हमें दिखी वो है लैम्बोर्गिनी। माय गॉड, इट्स प्रीटी प्रीटी कूल, काफी ज्यादा मस्त लग रही है, पता नहीं किसकी है। हम आगे चलते हुए, यूजुअली मेरे को कभी किसी एक रियल एस्टेट एजेंट ने बताया था क्या कि अगर किसी एरिया का देखना की अच्छा एरिया नहीं एरिया तो गाड़ियाँ देखो, एरिया अच्छा, काफी अमीर एरिया है, बट प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम क्या है निशान, प्रॉब्लम ये है कि हमें घर छोटा लगा, थोड़ा तो छोटा था यार, हमें किचन बहुत अच्छी लगी और ड्राइंग रूम भी अच्छा है। अगर हमें पुराने वाले घर से उठ के सारा सामान लाना होता ना तो ये बहुत अच्छा करता, बट हम लोग सारा किचन का सामान तो फेंका है मोस्टली, तो हमारे किचन का सामान आधा हो चुका है, तो किचन बड़ा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बचे हुए एरिया की स्पेस थी वो थोड़ी कम है। तो ये लंदन, और मैं अभी अपने भाई को ना वीडियो कॉल कर रही थी, एंड ही वाज लाइक ये तो ना सीपी जैसा दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, हाँ मतलब सेम ही लोगों ने बनाया है थोड़ा बहुत, और शहर सीपी जैसा दिखता है ना, लगता है ना। और ये जो है ये ऊपर यहाँ की सबसे महंगी दुकान है, दिस इज नेम्ड एज व्हाट इज इट, हेरल्ड्स, हेरल्ड्स, और इट्स लुक का मेसीज है, मेसीज मतलब इंडिया का लाइफ स्टाइल, इंडिया का जैसे न्यूयॉर्क का मेसीज का सबसे बड़ी दुकान, हाँ वैसा सा लग रहा है यार, इट्स ब्यूटिफुल, कभी टाइम होगा तो जाके आएंगे हम इसके अंदर, और उधर मस्त सा सनसेट हो रहा है। तो स्टेशन भी यही है, 5 मिनट दूर, तो हमें यही सब चाहिए था, अंडरग्राउंड स्टेशन है, लेकिन घर नहीं पसंद आया तो क्या फायदा, बट ये अच्छा है, दिस इज ज़ारा का शॉप यहाँ पे। एंड पता है क्या, जितनी बार मैं ऐसे देख रही हूँ मुझे भी सीपी लग रहा है, क्योंकि लोगों ने बोल दिया ना, मुझे भी लग रहा है सीपी सीपी जैसा है ना, मुझे खिंचानी पड़ेगी। डू ऑल्सो वॉन्ट वन इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स? नहीं। डू वॉन्ट फोटो विद दिस? नो। डू वॉन्ट फोटो विद दिस? नो। मैं पता क्या कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ लोग कहाँ कहाँ फोटो खिंचा रहे हैं, देन आई एम रियलाइजिंग अच्छा ये भी तो है, चलो मैं खिंचाती हूँ, यू शुड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।
अभी हम थोड़ा सा आगे आ गए हैं। यहाँ पे ना ऊपर बहुत अच्छा डेकोर है और पूरी जो सड़कें हैं वो ऐसी है, मतलब हर एक पेड़ पे कुछ ना कुछ लाइटिंग है एंड अच्छा है यार। मतलब एक तो अच्छा लग रहा है, क्रिसमस का टाइम है, ऊपर से हम बहुत दिनों बाद बाहर निकले हैं तो अच्छा लग रहा है। दिस इज प्रशांत, हाउ डू यू से इट प्रशांत? डोलची है ना? कौन सी? वो दूधवाई डोलची सही लग रहा है ना। यहाँ पे स्ट्रीट्स ना बहुत सारी अच्छी तरीके से डेकोरेट कर रखी है, वो सारा क्रिसमस ट्री और ये सब है। एंड जैसे कि मैंने बोला, आउटडोर खाना यहाँ पे बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, सो दे आर डूइंग दैट। इट्स लुकिंग स्टनिंग। ऐसा है क्या प्रशांत कि यहाँ पे बहुत सारे लोग सिर्फ वॉक करते हैं? यार मतलब वॉक फ्रेंडली तो है, तो है मैं जब एक बार आया हुआ हूँ यहाँ पे 5-6 साल पहले, काफी वॉक करता था ऑफिस भी, लाइक 30-25 मिनट्स वॉक करके जाता था। और मैं अच्छा लगता है क्योंकि आई थिंक यहाँ पे वॉक और साइकिल और ये सब के लिए काफी फ्रेंडली है कम्पेयर टू यूएस। और ये जो सामने है ये बकिंगम पैलेस का ग्राउंड है और इसके जस्ट पीछे बकिंगम पैलेस है। क्योंकि अभी हमारी लाइफ की प्रायोरिटीज थोड़ी दूसरी हैं, सो वी आर नॉट गोइंग देयर, बट एज ऑफ नाउ ये सब देखो आप। आई थिंक टूरिस्ट प्लेस का अपन जल्दी करने वाले, राइट? बिग बेन है, बकिंगम पैलेस है, लेट्स फाइनलाइज द हाउस एंड देन वी गोना डू ऑल दिस स्टफ टू वेरी सून। तो आप पैदल जा सकते हो, बट लंदन में भी ना, जैसे सियाटल में हम लोगों ने किया था ना, तो वैसे ऐसे स्कूटर्स हैं और बाइक्स हैं। तो आई थिंक लाइम है ना प्रशांत? लाइम है, डॉट है, डॉट है, टियर है, तीन तो मेरे को दिख रहे हैं, और इसके अलावा वो सेंटेंगर वाली बाइक्स होती हैं फॉर हायर। ये मजे आते हैं यार, हम लोगों ने सियाटल में किया था, है ना? लगता है तुम बस सुपरमैन हो। सो मे बी समडे वी गोना डू दिस, आई एम मेकिंग लिस्ट इन माय हेड ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू डू टुगेदर, तो अपन लोग करते हैं वो जल्दी। इस जगह का नाम विक्टोरिया है और हम इस जगह के पास रुके हैं एंड यहाँ पे भी वही सेम चीज़, बहुत सारे क्रिसमस ट्रीज। दिस इज़ द अंडरग्राउंड स्टेशन, इट्स लाइक मेट्रो स्टेशन, यहाँ पे ट्यूब बोलते हैं, तो वो इसके नीचे है। एक और स्टेशन है इधर उधर, और अगर हम सीधा जाएंगे ना, सीधा, तो बिग बेन आएगी। बिग बेन इज़ वो, बिग बेन कैसे समझाओ, बिग बेन सबको बताओ, हाँ, घंटा घर टाइम घड़ी। और वेस्टमिंस्टर एबी भी एक जगह है, इट्स लाइक अ चर्च, इट इज अ चर्च, राइट? किंग्स का, क्वींस का कोरोनेशन होता है। हाँ, तो वो भी सामने है, उसका व्लॉग भी जल्दी आएगा, बट एज ऑफ नाउ दिस इज द वाइब ऑफ द प्लेस एंड इट्स रियली रियली नाइस। दिस इज 9:30 PM इन द इवनिंग, वी आर बैक होम, और घर पे आके हमने टीवी देखा और कुछ खाना पीना खाया। अभी मेरे को काम पे लगना है। दिस इज माई कार्ड रीडर और दिस इज माई लैपटॉप, कैमरे से मैं बात कर रही हूँ, तो मुझे अभी काम करना है ताकि आप मुझे जल्दी से देख सको। एंड दिस इज़ द लास्ट टाइम दैट यू आर सीइंग मी इन 2021, क्योंकि अभी नेक्स्ट व्लॉग 2022 में आने वाला है। एंड आई एम ग्लैड कि हम लोग साथ में हैं, एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखानी है आपको लंदन में, बहुत कुछ प्लान करना है, एकदम देसी से देसी जगह और एकदम हाई एंड से हाई एंड जगह सब दिखाऊंगे आपको। एंड प्रशांत, यू वांट टू से एनीथिंग? दिस इज माई लास्ट व्लॉग ये साल का। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर प्रशांत, इज फाइनली कोविड फ्री, तो मेरे लिए तो स्पेसिफिकली ये न्यू ईयर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज टेक केयर, बाय।